सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे नया तो खैर कोई भी नहीं है, सब लोग मुझे जानते हैं एक्सेप्ट वन और टू. तो खैर आज हम लोग मिले हैं, अपना एफएम का पेपर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. दिस इज योर पेपर नंबर 8 एंड इसमें आपको थोड़ा सा पहले सिलेबस के बारे में एक बार ब्रीफ करते हैं कि सिलेबस कैसा रहेगा और क्या क्या बुक्स रहेंगी, कितनी क्लासेस लगेंगी, वो सब एक बार ब्रीफ करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं. तो आप लोग एक नई नोटबुक ऑब्वियसली सब लोग लेकर के आए हैं, तो पेपर नंबर 8 हेडिंग डाल लो, पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट. पहले इसका सिलेबस लिखते हैं और उसके बाद हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, इस पेपर में है क्या बेसिकली. तो ये आपका पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इसमें बेसिकली है क्या, एक बार पूरा सिलेबस लिखते हैं शुरू से. आपके इसमें बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, पूरा थ्योरी पार्ट है 40 मार्क्स का. तो आओ जरा एक बार, 60 मार्क्स में आपका पूरा लगभग प्रैक्टिकल है और 40 मार्क्स इज लाइक पूरी थ्योरी, उसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं है. इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस ये पूरा थ्योरी है 40 मार्क्स में और ये 60 मार्क्स आपका पूरा प्रैक्टिकल है. इसका एक बार सिलेबस लिखना शुरू करते हैं. 60 मार्क्स में सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है दैट इज बेसिक्स ऑफ एफएम, या फिर आप इसको इंट्रोडक्शन कह सकते हो. नेक्स्ट आता जी आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी. नेक्स्ट थर्ड इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट लीवरेजेस. नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल. कैपिटल बजटिंग. नेक्स्ट इज रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग. रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज. नेक्स्ट इज रेशियोज. और लास्ट है आपका डिविडेंड डिसीजन. चलिए जी हो गया नोट यहां तक. नेक्स्ट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में आपकी 4 यूनिट्स हैं. पहला वो 11th 12th में आपने पढ़ा होगा नेशनल इनकम, जीएनपी निकाल दो, जीडीपी निकाल दो, वो सारी चीजें. नेशनल इनकम
नेक्स्ट इज मनी मार्केट. नेक्स्ट पब्लिक फाइनेंस. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड. चलिए जी शुरू करें. हमारा जो ये 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल पार्ट है एफएम, इसमें आप आराम से, मतलब ये अगर आप कंपेयर करोगे ग्रुप वन के किसी भी पेपर से, तो इसमें डिफिकल्टी लेवल ग्रुप वन के मुकाबले बहुत कम है. मतलब डिफिकल्टी लेवल आप टैक्स से कंपेयर करोगे, कॉस्ट से कंपेयर करोगे, इसका डिफिकल्टी लेवल इज वेरी, मतलब बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम आप कह सकते हो. कॉस्ट के मुकाबले, टैक्स के मुकाबले इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत कम है. और बात रही है 40 मार्क्स की, तो इसमें सारे जो क्वेश्चन आते हैं कोई भी, इस ये आसान क्यों है, इसमें कोई भी क्वेश्चन 4 या 5 नंबर से ऊपर का नहीं आता. मतलब अगर आपको थ्योरी 8 नंबर की लिखने को आए तो ऑब्वियसली उसमें हमें कंटेंट ज्यादा चाहिए होता है, पर इसके आप क्वेश्चन देखोगे 4 या 5, मैक्सिमम 5 नंबर से ऊपर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है. तो इसमें आपको थ्योरी इसीलिए आसान है क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना ही नहीं है. ऊपर ऊपर से बस आपको 4 पॉइंट आने चाहिए या मैक्सिमम 5 पॉइंट आने चाहिए, किसी भी चीज की डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में. मैक्सिमम 4 नंबर या 5 नंबर का सवाल आएगा मैक्सिमम, और उसमें आपको किसी भी चीज में डिटेल ज्यादा पढ़नी नहीं है. तो ये इसलिए आसान होगी, प्लस ये 11 12th पे बेस्ड है. इसकी अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आउट ऑफ 60 मार्क्स ये मान के चलना अप्रोक्सीमेटली 50 से 52 नंबर, 50-52 मार्क्स पूरा प्रैक्टिकल पेपर आने वाला है आपको, और 6 से 8 नंबर की थ्योरी आएगी. और उसका एक गिना चुना चैप्टर है हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये फुल फ्लेज्ड थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकल है ही नहीं. ये आपको बताएगा शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, पूरी डिटेल में थ्योरी थ्योरी छोटी मोटी बातें जो पूरे फाइनेंस से लिंक है ये आपको बताएगा. अगर मैं वेटेज की बात करूं, थोड़ा बहुत हम लिखें बेसिक्स. अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, इसमें से आज सच कुछ आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन ये पूरी ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आपको बताता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, फाइनेंस मैनेजर के फंक्शंस क्या होते हैं, उसके रोल्स क्या होते हैं, एग्जाम के लिए इररिलेवेंट है ये चैप्टर. लेकिन हाँ, बेसिक्स आपको आने चाहिए. ये हल्की फुल्की आपको ऊपर ऊपर से थ्योरेटिकल बातें बताता है पूरे एफएम के बारे में. टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर ये, मतलब ये मान लो कि बिल्कुल बेसिक्स है ये, अगर पूरी एफएम आपको आती है, अगर वो चैप्टर नहीं आता तो आप पूरी एफएम नहीं कर पाओगे. ये बिल्कुल बेस चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये आपको शॉर्टकट सिखाएगा. मतलब इस बार हम लोग क्या करते हैं एफएम में, आपको मैं इस चैप्टर के जरिए शॉर्टकट सिखा दूंगा जो आपकी पूरी एफएम में काम आएंगे. अगर वो शॉर्टकट नहीं सीखे आपने तो आप पूरी एफएम में उलझे रहोगे. और कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और 2-3 चैप्टर ऐसे और हैं जिसमें से पेपर अप्रॉक्सीमेटली 24 से 30 नंबर का आता है, और वो ही बच्चा नहीं कर पाएगा अगर आपको शॉर्टकट नहीं आते तो. तो 30 नंबर का पेपर ये, इसका अपने आप में मतलब फुल फ्लेज्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये चैप्टर ऐसा ही है, सबको खराब करने का मतलब रखता है अपने आप में दम. तो ये अगर हमें बेसिक सीखने हैं तो इसके लिए शॉर्टकट बहुत जरूरी है. पूरी एफएम के लिए शॉर्टकट आपको सीखने बहुत जरूरी है. अब हम लोग वैसे नहीं निकाल सकते, एक इंटरेस्ट अगर आपको सिंपल सा निकालो, बचपन में फॉर्मूला किया था अपने, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर n, वैसा वैसा करके करने लगे तो 11th में पहुंच जाएंगे हम लोग, 11th 12th में. वो हमें नहीं करना है, हमें शॉर्टकट सीखना है जो आपके एफएम में काम आएगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लीवरेजेस, ये मान के चलो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपके मान के अप्रोक्सीमेटली 8 से 12 नंबर के पेपर में आते ही आते हैं, और बहुत आसान चैप्टर्स हैं, बेस यही है. ये आपको नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है 8-8 नंबर का, आना ही आना है, एक कैपिटल बजटिंग में से, एक वर्किंग कैपिटल में से. और ये दोनों ही चैप्टर ऐसे हैं, ये दोनों जो एफएम में लोगों को नॉर्मली मुश्किल लगते हैं. नॉर्मली मतलब अगर आप एक आम जनता से पूछोगे तो जैसे हमारा कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट है, सबको लगता है यार पता नहीं है क्या ये, तो वो चीज है कि आपको ये 2 चैप्टर मान के चलो पूरी जनता सोच के जाती है कि नहीं यार ये ना आए एग्जाम में, तो ये उस लेवल के सवाल है. लेकिन इसके अंदर शॉर्टकट टेक्निक्स ऐसी हैं, अगर वो आपने यूज कर लिया एक बार, वो सीख लिया, तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ये लीवरेजेस का ही पार्ट है, ये अलग नहीं है, ये 4th, इसके साथ ही आप मान के चलो जो 9th है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, वो इसी का पार्ट है, लेकिन हम लोग उसको अलग अलग करके करने वाले हैं. क्योंकि कैपिटल लीवरेजेस में से तो अपना एक सवाल आना ही है, इसमें से इकलौता 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में से.
उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, ये आपका नया ऐड हुआ, जब आपको पता पहले आईपीसीसी होता था, अभी सीए इंटर आ गया, तो इंटर आने के बाद ये नया चैप्टर ऐड हुआ डिविडेंड डिसीजन। इसमें से भी एक आपका क्वेश्चन कंफर्म आना है 4 नंबर का। पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी आता है 20 नंबर का, उसमें आपको इसका एक क्वेश्चन दिखेगा। रेशियोज का आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये पूरी आपको 12th याद दिलाएगा। आपने 12th में शायद 11th में जब भी रेशियोज करी थी, 80% रेशियोज वही है, 20% उसकी एक्सटेंशन है, 20%। लेकिन क्वेश्चन वैसा नहीं आता, आपको इसमें बैलेंस शीट मैच करनी है, जो बचपन से हमारी होती नहीं है कभी, वो आपको मैच करनी होती है। इन द सेंस आपको थोड़ा बहुत डेटा गिवन होगा, उससे आपको सारा रेशियोज निकालने होंगे, और वो निकालने के बाद आपको एक फर्म की बैलेंस शीट बनानी है और वो मैच करनी है। तो ये चैप्टर बहुत डिटेल है, इसमें अप्रोक्सीमेटली हम लोग मान के चलो 40 से 50 रेशियोज पढ़ने वाले हैं, और वो आपको याद होनी चाहिए 40 से 50 रेशियोज। अगर वो याद नहीं है तो आपकी बैलेंस शीट कभी मैच नहीं कर सकती। तो ये हम लोग रेशियोज चैप्टर करेंगे लास्ट में। और इधर बात आई, ये दिखने में आपको लग रहा है शायद 4 चैप्टर हैं, ये 4 यूनिट्स हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 14 चैप्टर्स, ये पूरे के पूरे मिला के 14 चैप्टर हैं। हर चैप्टर की 3 से 4 यूनिट्स हैं, तो ये 14 चैप्टर हैं, बट इजी चैप्टर्स हैं, मतलब मुझे इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल लगता नहीं है खास। और अगर हम बुक्स की बात करें, मैं आपको एफएम में 4 बुक्स देने वाला हूं। एक बुक रहेगी आपकी कंटेंट बुक, जिसमें आपका सिर्फ कंटेंट होगा, इन द सेंस थ्योरी होगी, और हर चैप्टर में जितने फॉर्मूलाज हैं वो होंगे, वो सब चीजें, उसमें क्वेश्चन बैंक नहीं होगा। और बाकी आपको क्वेश्चन बैंक 1, क्वेश्चन बैंक 2 और क्वेश्चन बैंक 3, ये आपको एफएम में 3 क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये आपकी एफएम की 4 बुक्स हैं। इकोनॉमिक्स में आपकी 2 बुक हैं, एक है थ्योरी बुक, सर थ्योरी उसमें प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, और एक है उसकी समरी बुक। समरी बुक इसलिए रेलेवेंट है कि आप लोग को लास्ट में जो पेपर में लिख के आने शॉर्टकट पॉइंट्स, वो आपको इस समरी बुक में मिलेंगे। आप अगर अभी भी, मतलब मैं आपको क्लास के बीच में भी वो रेफर कराऊंगा, अगर आप डायरेक्ट भी उस समरी बुक से पढ़ते हो, दैट इज सफिशियंट। उसमें हर टॉपिक के बारे में 4 से 5 पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट में लिखे हैं, जो हमें एग्जाम में लिख के आने, सिंपल। तो आपको इस बुक से हम लोग रीडिंग जरूर करेंगे, लेकिन इन दी एंड इसका शॉर्टकट वर्जन यहां पे लिखा हुआ है सारा समरी बुक में। ये अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 15 पेज की है, एक चैप्टर 1 पेज में हमने बनाया, उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में बना के 14 पेज या 15 पेज की बुक है। आपके पूरे 14-15 चैप्टर इसमें आ चुके हैं। और सबसे लास्ट में एक एफएम की हम आपको देंगे, जिसे बोलते हैं हम लोग समरी बुक, कह लो आप इसको। इसमें पूरे फॉर्मूले जो हमें यूज करने, जैसे मैं कह रहा हूं रेशियोज 40-50 रेशियोज है, वो सारी एक पेज पे आपको लिख करके, या मतलब पूरी बुक की फॉर्म में आपको ये एफएम मिलेगी, समरी बुक। ये पूरी एफएम की समरी होगी, पूरी एफएम और इकोनॉमिक्स की समरी आपकी है। तो टोटल इस बुक से हम लोग पढ़ने वाले, ये कंटेंट बुक ये सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए, इसको हम लोग क्लास में डिस्कस ऑब्वियसली नहीं करेंगे। अगर आपको कोई चीज डिटेल में पढ़नी है तो आप इस कंटेंट बुक में से पढ़ सकते हो। इसमें फॉर एग्जाम्पल किसी चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं, हम एक टॉपिक उठाएंगे कॉपी में, उसको लिखेंगे, उसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, उसके क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन बैंक से। घर जाके अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो कॉपी में से पढ़ो, कॉपी में से पढ़ने के बाद कंटेंट बुक रीड करना चाहो, दैट इज फॉर योर रेफरेंस ओनली, ठीक है जी। तो ये आपकी रेफरेंस के लिए, ये पूरे क्वेश्चन बैंक में से हम लोग क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं, और ऑब्वियसली कुछ होमवर्क मिलेगा आपको, और इसकी बात अभी बाद में आएगी, इसकी बात थ्योरी बुक इकोनॉमिक्स की बात तो खैर बाद में आएगी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपकी एफएम का चैप्टर नंबर 3 हम लोग शुरू करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसका भी बाकी चीजों से कोई नाता नहीं है। तो हेडिंग डालो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, शुरुआत हमेशा नॉर्मली चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए, पर मेरा थोड़ा सा इस मामले में उल्टा रहता है। किसी भी टॉपिक का चैप्टर नंबर 1 अगर हम लोग उठाएंगे, किसी भी मतलब किसी भी आप कॉस्ट में उठा लो, टैक्स में उठा लो, इंट्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है, वो आपको पूरी एफएम इकोनॉमिक्स के बारे में बताने की कोशिश करता है कि एफएम में होता क्या है, क्या नहीं होता।
लेकिन वो सब चीजें पहली क्लास में आपको बताऊंगा, सब ऊपर से जाएंगी। सर हमें एफएम के बारे में एक्स वाई जेड कुछ पता ही नहीं है, तो आप पहली क्लास में बताओगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसे निकलती है, वो कंपनी के यहाँ काम आती है, वहां काम आती है। मेरा थोड़ा सा इसमें ये रहता है कि आप पहले दो तीन चैप्टर पढ़ो, थोड़ा सा एफएम से रूबरू हो जाओ कि एफएम में है क्या, उसके बाद जब आपको इंट्रोडक्शन में लेके आऊंगा उसकी आपको टर्म्स भी समझ में आएंगी। अगर मैं पहली क्लास में आपको बोल दूं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या लीवरेज के बारे में, इस चैप्टर में होने क्या वाला है, इंट्रोडक्शन में होगा क्या, इन सारे चैप्टर्स के बारे में ऊपर ऊपर से एक ग्लिम्स कि इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो फर्स्ट क्लास में आपको समझ नहीं आएगा। तो पॉइंट क्या, अभी हम लोग क्या करेंगे, दो तीन चैप्टर्स पहले ये वाले करेंगे, उसके बाद जब मैं आऊंगा ना फर्स्ट चैप्टर पे, आप अपने आप को लिंक कर पाओगे उस चैप्टर से, हाँ एफएम में ऐसा होता है, एफएम का मतलब ये है। पहले मतलब जानो उसके बाद उसको लिंक करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा साथ साथ इंट्रोडक्शन। तो ये चैप्टर हम लोग दो तीन चैप्टर कर लो, उसके बाद जैसे आप आजकल मूवीज का भी यही ट्रेंड है, पहले वो आपको कहानी दिखाते फिर फ्लैशबैक में लेके जाते तो समझ में आती है अच्छा ये हुआ होगा। तो अभी हम लोग थोड़ी सी पहले एफएम की मूवी देखेंगे, फिर चैप्टर वन पे आएंगे ना तो आप कहानी से लिंक कर पाओगे अच्छा इसकी जिंदगी में ये चल रहा है। तो वो सब चीजें हैं, तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हेडिंग डाल लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इसके बारे में लिखते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसमें करना क्या है अपने को। लिखो जी टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके अंदर अपने को पढ़ना है कॉस्ट ऑफ डेट स्लैश मार्केट प्राइस। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड न्यू इक्विटी, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। और लास्ट पॉइंट है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एक छोटा सा पॉइंट बस लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर चैप्टर समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लो मीनिंग। ये चार टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं और एक बार मीनिंग लिखते हैं फिर इसकी चैप्टर की कहानी समझना शुरू करेंगे। लिखो जी मीनिंग के अंदर, इट इज द कॉस्ट दैट अ फर्म इंकर्स इन रिटेनिंग द फंड्स obtained from various sources. That is equity, preference, debentures and retained earnings.
चलिए जी समझना शुरू करते हैं जरा इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब सारी चीजें भूल जाओ, हम एफएमएफएम पढ़ रहे हैं, मैं आपको इस चैप्टर के डिटेल में लेके चलता हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कॉस्ट, ये चैप्टर बेसिकली है क्या, ये कंपनी के एंगल से चैप्टर बना हुआ है कि एक कंपनी मार्केट से जो पैसा लेती है, सर एक कंपनी मार्केट से कैसे पैसा ले सकती है, अब ये कंपनी को पैसा चाहिए मार्केट से, पैसा कैसे लेगी आप बताओगे? या तो शेयर इशू कर देगी, या डिबेंचर इशू कर देगी, प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगी, मार्केट से पैसा आ गया वो चीज कंपनी के लिए कैपिटल है। लेकिन क्या फ्री में पैसा मिलता है क्या? उस पैसे के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सर अगर इक्विटी शेयर इशू करोगे तो उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा, डिबेंचर इशू करके कंपनी पैसा उठाएगी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो कंपनी को कैपिटल उठाने के लिए अपनी जेब से कुछ कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है, एंड दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो पैसा मैंने उठाया मार्केट से उसको मेरे को यूज करने के लिए मुझे अपने इन्वेस्टर्स को क्या देना पड़ रहा है, वो मेरी जेब पे बर्डन है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपसे डिबेंचर इशू किया, आपको 100 रुपए लिया आपसे, और वो 100 रुपए मैंने अपने बिजनेस में यूज किया, और मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा, तो आपको एक साल बाद मुझे 110 रुपए देने, आपको मैंने आपसे लिए कितने थे 100 रुपए, आपको दिए कितने 110, तो मेरी जेब पे 10% या 10 रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा। ये 10 रुपए मेरे लिए क्या कहलाएंगे, मेरे एंगल से क्या कहलाएंगे? आपके लिए तो इनकम है, मेरे लिए वो चीज क्या है, खर्चा है, कॉस्ट है। तो मेरे लिए वो चीज क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो पैसा मैंने इन्वेस्टर से लेके अपने बिजनेस में यूज किया, उसको यूज करने के लिए मेरे ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब सर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो पढ़ते हैं एक बारी, इसका मतलब ये, इट इज द कॉस्ट दैट अ फर्म इनकर, एक ये ऐसा खर्चा जो फर्म करती है, किस चीज के लिए करती है फर्म ये खर्चा, इन रिटेनिंग द फंड्स ऑब्टेन, जो मैंने पैसा लिया उसको अपने बिजनेस में यूज करने के लिए जो मेरी जेब पे बर्डन पड़ता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चाहे वो इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे डिबेंचर हो, जो भी पैसा मैं मार्केट से उठाऊंगा उसको यूज करूंगा बिजनेस में, तो जिसका पैसा है वो मेरे से इंटरेस्ट मांगेगा, एंड वो मेरे लिए क्या है, कॉस्ट है, एक बर्डन है, एक खर्चा है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब सर एक एग्जांपल से कहानी शुरू करते हैं। लेट सपोज एक एग्जांपल, ये साथ साथ नोट करना, एक रफ वर्क है, ये पूरी चैप्टर आपको समझा जाएगा, और आज का बेस अगर आपको समझ में आ गया तो आगे कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। एक कहानी समझना जरा, एक इन्वेस्टर आया जी कंपनी के पास कि मुझे आपकी कंपनी का एक डिबेंचर दे दो। डिबेंचर से कहानी शुरू करते हैं। अगर आप देखोगे तो सबसे पहला टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। हम इसी पे बेस्ड एक कहानी बनाएंगे जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बाकी तो इससे लिंक है सारे। तो एक इन्वेस्टर आता है कंपनी के पास, इन्वेस्टर कहता है जी मेरे को एक डिबेंचर दे दो। उसको हमने एक डिबेंचर दे दिया जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है। मेरे पास एक इन्वेस्टर आया कि मुझे आपकी कंपनी में पैसा लगाना है। मैंने कहा ठीक है जी, हमारी कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो आप हमारी कंपनी का एक डिबेंचर ले लो। मैंने उसको अपनी कंपनी का एक डिबेंचर दे दिया, उसने मुझे पैसे कितने दे दिए, 100 रुपए दे दिए। वो 100 रुपए मैं अपने बिजनेस में यूज करता हूं। वो जो डिबेंचर था, लेट सपोज वो 10% डिबेंचर था, मैं एक साल की बात करता हूं, वो 10% डिबेंचर था, तो कंपनी को उस डिबेंचर के पैसे को यूज करने के लिए क्या देना पड़ेगा? 10% डिबेंचर है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10%। और 10% किस पे निकालोगे? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू और इशू प्राइस मान लो सेम है, मान लो मैंने 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया, इशू प्राइस भी यही है, फेस वैल्यू भी यही है, तो मैं अपने इन्वेस्टर को एक साल में पैसा यूज करने के लिए क्या दूंगा? सर इंटरेस्ट दोगे आप, इंटरेस्ट कितना दोगे? 10%, यानी 10 रुपए का इंटरेस्ट दोगे। अब कंपनी के एंगल से सोचो, कंपनी के एंगल से सोचो, कंपनी ने इसका पैसा यूज किया, कंपनी इन रिटर्न इस इन्वेस्टर को ₹10 देगी एज इंटरेस्ट। मैं वापस से बोलता हूं, ये चैप्टर हम किसके एंगल से पढ़ रहे हैं? इन्वेस्टर के एंगल से नहीं पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर किसके एंगल से है? कंपनी के एंगल से। अब कंपनी के एंगल से सोचो, कंपनी ने इसको दे दिया 10 रुपए का इंटरेस्ट। अब मैं आपसे सिंपल एक लेमैन टर्म में पूछूं कि कंपनी को 100 रुपए एक साल इस्तेमाल करने के लिए क्या कंपनी की जेब पे बर्डन पड़ा? आप बोलोगे सर 10 रुपए का बर्डन पड़ा, आपने लिए थे 100 रुपए, लेकिन देते टाइम उसके 100 रुपए तो उसको वापस करे ही करे, साथ साथ मैंने 10 रुपए का क्या दिया उसको साथ में, इंटरेस्ट। तो एक साल 100 रुपए को बिजनेस में यूज करने के लिए मेरी जेब से क्या चला गया? 10 रुपए का इंटरेस्ट चला गया। तो अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो क्या बोलोगे? 10% का इंटरेस्ट हमने दिया है जो हमारी जेब पे बर्डन पड़ा है। लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, अब हम आते हैं टेक्निकली एफएम पे, अब हमें लेमन लैंग्वेज से बात नहीं करनी है,
हमें एक सीए के एंगल से बात करनी है. जरा ध्यान से सोचो, कंपनी के एंगल से. कंपनी जब अपना पीएनएल बनाएगी, मुझे बस इतना बता दो कि जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है. जो कंपनी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही देना है अपने को. पीएनएल में कंपनी माइनस करेगी करेगी. अब सोचो, लेट सपोज कंपनी की इनकम है 100 रुपए. ये एग्जाम्पल चल रहा है पूरी कहानी में. कंपनी की इनकम 100 रुपए, कंपनी ने ये इंटरेस्ट दिया 10 रुपए का, तो कंपनी इसको अपने पीएनएल में दिखाएगी. इस 10 रुपए के इंटरेस्ट की वजह से क्या होगा सर? कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 10 रुपए से कम हो जाएगा. 10 रुपए से कम हो जाएगा. अगर ये इंटरेस्ट ना होता, मान लो अगर ये इंटरेस्ट ना होता, तो कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो 100 रुपए के ऊपर लगता है. जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पर टैक्स भी तो देना है कंपनी को, गवर्नमेंट को. एक्स वाई जेड कोई भी टैक्स रेट है, मान लो कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी टैक्स रेट है, तो कंपनी को पहले 100 रुपए के ऊपर टैक्स देना था. लेकिन कंपनी ने क्योंकि ये इंटरेस्ट दिया अपने इन्वेस्टर को, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 रुपए से क्या हो गया, कम हो गया. और कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना रह गया, 90 रुपए. पहले जो टैक्स 100 रुपए के ऊपर जाता वो टैक्स कितने के ऊपर जाएगा, 90 रुपए के ऊपर जाएगा. तो कंपनी का टैक्स सेव हुआ. कंपनी का टैक्स सेव हुआ कितने अमाउंट पे, 10 रुपए पे. कंपनी पहले 100 रुपए पे टैक्स देती, अब कंपनी टैक्स कितने पे देगी, 90 रुपए पे देगी. 10 रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट का अमाउंट कंपनी ने दिया है उसके ऊपर कंपनी का क्या सेव हो गया, टैक्स सेव. अब आप मुझे बताओ, एग्जाम्पल लेट सपोज टैक्स का रेट है 40%. एग्जाम्पल टैक्स का रेट मान लो 40% है, तो कंपनी का कितने रुपए टैक्स सेव हो गया, 4 रुपए. पहले 100 रुपए के ऊपर लगता 40%, यानी कितना, 40. अभी लगेगा 90 के ऊपर 40%, यानी कितना, 36 रुपए. कंपनी का 4 रुपए क्या सेव हो गया, टैक्स. वही 10 रुपए जो कंपनी ने दिए, 10 रुपए का 40%, 4 रुपए कंपनी का टैक्स सेव हो गया. कंपनी के ऊपर नेट बर्डन कितने का पड़ा, 6 रुपए का. ये पॉइंट समझ में आया, कंपनी की जेब से लेकिन कैश में कितने रुपए गए हैं, 10 रुपए. इन्वेस्टर को मिले भी कितने हैं, 10 रुपए. लेकिन वो टैक्स सेविंग की वजह से कंपनी की जेब पे जो बर्डन पड़ा वो 6 रुपए का पड़ा. ये पॉइंट समझ में आया. तो अब 6 रुपए का बर्डन है. सर कंपनी ने पैसे कितने लिए थे इन्वेस्टर से, पैसे मैंने लिए कितने थे बिजनेस में यूज करने के लिए, 100 रुपए. उस 100 रुपए को यूज करने के लिए मेरी जेब पे बर्डन कितने का पड़ा, 10 रुपए का. नेट बर्डन कितना पड़ा, 6 रुपए का. तो मैं क्या बोलूं, मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% या 6%? 6%. पॉइंट क्लियर हो गया. दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. मैं आपको पूरा डिटेल में डिबेंचर समझाया. देखो एक बारी, पहले था नेट प्रॉफिट 100 रुपए का, अगर इस पे टैक्स लगता तो 40% लगता, यानी कितना रुपए लगता, 40. लेकिन बाद में इंटरेस्ट देने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट रह गया वो रह गया 90 पे जब 40% टैक्स लगेगा तो वो कितना आएगा, 36. तो कंपनी का 4 रुपए क्या हो गया, टैक्स सेव हो गया. तो कंपनी जितना इंटरेस्ट पे करती है उतने इंटरेस्ट के ऊपर कंपनी का टैक्स भी सेव होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से सर जो नेट बर्डन है वो कंपनी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. पॉइंट क्लियर हुआ. लेकिन मेरा अगला सवाल, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने इन्वेस्टर को दिए 6 रुपए हैं, इन्वेस्टर को दिए तो कितने हैं, 10 ही दिए, उसको मिले भी कितने हैं, 10. वो इनकम टैक्स भी, अपने इनकम टैक्स भी कितने पे देगा, 10 पे ही देगा. वो उसके लिए तो इनकम ही है, वो अपना इनकम टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स तो उस पर देगा ही देगा. लेकिन मैं बस कंपनी के एंगल से बात कर रहा हूं कि कंपनी के ऊपर बर्डन कितने का पड़ा, 6 रुपए का बर्डन पड़ा. पॉइंट क्लियर हो गया. तो दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब आपने निकाला कैसे 6 रुपए, मुझे बस वो बता दो, आप फॉर्मूला खुद बना लोगे. आपने निकाला कैसे 6 रुपए, सर 6 रुपए कैसे निकाला? देखो सर, आपके बताने से पहले हम क्या सोच रहे थे कि कंपनी ने दिए 10 रुपए और कंपनी ने यूज कितने किए हैं पूरे साल में, 100 रुपए. आपने जो मुझे 10% जवाब दिया था वो शायद ऐसे ही दिया था पहले, जी सर कंपनी ने 10 रुपए इंटरेस्ट के दिए और पैसा कितना यूज किया है, 100 रुपए. तो कंपनी के ऊपर जो बर्डन पड़ा दैट इज 10%. लेकिन आपने बाद में मुझे क्या जवाब दिया, सर ऐसा है कंपनी ने ना 10 रुपए तो दिए हैं लेकिन कंपनी को 4 रुपए क्या सेव हो गया, टैक्स सेव हो गया. कंपनी की जेब से जो नेट गए हैं वो सिर्फ कितने गए, एक तरीके से देखा जाए तो 6 रुपए, विच इज इन कंपेरिजन विद 100 इज ओनली 6%. पॉइंट क्लियर हो गया. एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर के पैसे को यूज करने के लिए जो कंपनी की जेब पे बर्डन पड़ता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. पॉइंट क्लियर हुआ. अब इसका तुम फॉर्मूला बनाओ. बताओ ये चीज तुम्हें फॉर्मूले में डालनी है, कि ये चीज एक फॉर्मूले में डालनी है. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को लिखते हैं के डी.
KD इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, K से कॉस्ट, अब पता नहीं कौन सी इंग्लिश है ये, और D से डिबेंचर, लेकिन KD इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अभी बताओ इसको बनाया कैसे, ये बताओ फटाफट, फॉर्मूला बनाओ, नीचे क्या लिखूं, इनटू में चलो 100, ये मैंने बता दिया, इन दोनों का बताओ क्या लिखूं, फेस वैल्यू। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मेरी लैंग्वेज को पकड़ा करो ना तो आपको समझ में आएगा। मैं क्या बोलता हूं, कंपनी ने जितने का फेस वैल्यू डिबेंचर इशू किया या जितना पैसा इन्वेस्टर से लेके कंपनी ने यूज किया, समझो मेरी बात को, मैं एक सेकंड एग्जांपल चेंज करता हूं। अभी फिलहाल तुमने बोला फेस वैल्यू बिल्कुल ओके है, अभी लेट्स सपोज सेकंड एग्जांपल, मेरे डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए थी, मैंने 10% डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किया था मान के चलो, तो डिबेंचर इशू जब मैंने 10% डिस्काउंट पे किया होगा तो मैंने डिबेंचर होल्डर से पैसे कितने लिए, 90 रुपीज, तो बिजनेस में यूज भी कितने किए होंगे 90, लेकिन मुझे इंटरेस्ट जो देना पड़ता है वो तो हमेशा फेस वैल्यू पे देना पड़ता है। अब मैं सर 10% आपको इंटरेस्ट देना, तो आप 100 रुपए भी दोगे, तो आप उस एंगल से सोचो, सर 10% आपने इंटरेस्ट दिया 100 रुपए के ऊपर, 10 रुपए आपकी जेब से चले गए, 4 रुपए उसने आपका टैक्स सेव करा दिया, तो आपके ऊपर बर्डन कितने का पड़ा, 6 रुपए का पड़ा, बट यू हैव यूज्ड ओनली 90 रुपीज। उस केस में सोचो, आप ये मत सोचो फेस वैल्यू है, आप ये हमेशा ये सोच के चलो ये वो वैल्यू है जो हम डिबेंचर होल्डर से लेते हैं और अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। मुझे सिंपल है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, जो पैसा आपने मुझे दिया मैंने बिजनेस में इस्तेमाल किया और उसके अगेंस्ट मुझे आपको क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट, लेकिन वो इंटरेस्ट जो है वो हल्का फुल्का मेरा टैक्स सेव कर जाता है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बर्डन मेरे ऊपर कम हो जाता है, सिंपल कहानी है। तो अब हां जी एग्जैक्टली, ये बिल्कुल इसने सही वर्ड पकड़ा, दिस इज कॉल्ड एज इशू प्राइस। इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकते हैं, इशू प्राइस और फेस वैल्यू ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकते हैं, फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू हो गई, इशू प्राइस हो सकता है डिस्काउंट पे इशू किया हो, प्रीमियम पे इशू किया, वॉट एवर, इशू प्राइस अलग हो सकता है। इस बेसिकली इसका मतलब क्या है, जो पैसा मैंने बिजनेस में इस्तेमाल किया। अब इसको बिल्कुल तरीके से भी लिखेंगे, हम सिर्फ कहानी बना रहे हैं, 6 रुपए कहां से आया आपका, 6 रुपए सर 10 रुपए तो इंटरेस्ट था, उस 10 रुपए के ऊपर 4 रुपए का मुझे हो गया टैक्स सेव, कैसे हुआ सर, 10 रुपए हमने इंटरेस्ट दिया, 10 रुपए से मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया और 10 रुपए के ऊपर जो टैक्स लगता 40% वो नहीं लगा 40%, 4 रुपए टैक्स सेव हो गया। तो क्या लिखूं इसको, लिखूं क्या इसको, ऐसा लिख सकता हूं क्या, 10 का 60%, ऐसा लिख सकता हूं क्या, 10 रुपए पे अगर आपको 40% टैक्स सेव हो गया तो आपकी जेब से तो 60% ही गया, अगर 10 रुपए के ऊपर आपको 40% टैक्स सेव हो गया तो आपकी जेब से तो उसका 60% 6 रुपए तो गया। इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, 10 का 60% क्या आएगा, 6 रुपए तो आएगा। तो मैं वही बोल रहा हूं, अगर एक चीज पे आपको 40% टैक्स सेव हो रहा है तो आपकी जेब से जा कितना रहा है, 60% ही तो जा रहा है। इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता ऐसा, इसको और रिफाइन करें तो सर एक काम करो, देखो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, इंटरेस्ट कितना था मेरे एग्जाम्पल में 10 रुपए, 1 माइनस टैक्स 1 माइनस 0.4, टैक्स मेरे एग्जाम्पल में 40% है, 1 माइनस 0.4 करोगे तो 0.6 बचेगा, 60% बच गया, 60% ऑफ 10 इज 6, डिवाइड बाय इश्यू प्राइस इनटू में 100, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। पॉइंट क्लियर हो गया, पूरी कहानी क्लियर हो गई, एक और एग्जांपल लेते हैं फिर और क्लियर होगा। करो करो बिल्कुल करो, शुरू से अगर नोट नहीं किया तो शुरू से कर लो फटाफट से। इसी चीज को एक बार वापस से लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे हटा दूं इसको,
चलो जी हटा दूं। अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिखना हो तो क्या लिख सकता हूं, केडी आप कैसे निकालते हो, केडी कैसे निकालते हो, कंपनी की पॉकेट पे लिख लो, ये साथ साथ कंपनी की पॉकेट पे क्या बर्डन पड़ा, डिवाइड बाय कंपनी ने कितने पैसे रिसीव किए या यूज किए। बेसिकली आपने किया तो यही है कि मेरी जेब पे कंपनी की जेब पे 6 रुपए का बर्डन पड़ा और कंपनी ने जो पैसे यूज किए उसको डिवाइड कर दो, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी ये सब फॉर्मूली भी लिखेंगे, अभी ये सब रफ वर्क चल रहे हैं। एक जस्ट ऐसी सेम एग्जांपल लगभग कि कंपनी ने इशू किया 100 रुपए का डिबेंचर। अब मैं जब बोल रहा हूं इशू किया 100 रुपए का डिबेंचर तो इसका मतलब यह है कि फेस वैल्यू भी 100 है और इश्यू प्राइस भी 100 रुपए ही है, और कंपनी उस पर क्या देने वाली है, 12% इंटरेस्ट देगी पूरे साल में और 40% कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। सर ऐसा है, देखो कंपनी अगर 12 रुपए देगी पूरे साल में इंटरेस्ट के, 100 रुपए के ऊपर 12 रुपए, 100 रुपए का डिबेंचर है उस पर 12% इंटरेस्ट यानी 12 रुपए देगी कंपनी एज इंटरेस्ट। कंपनी सर 12 रुपए देगी तो क्या होगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट 12 से कम हो जाएगा, 12 रुपीज से नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर टैक्स कम लगेगा। कितने रुपए के ऊपर कंपनी का टैक्स सेव हो गया, 12 रुपए के ऊपर टैक्स सेव हो गया, और कितना सेव हुआ, 40%। 40% कंपनी के ऊपर टैक्स लगता तो 40% ही सेव होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपनी ने दिए तो 12 हैं लेकिन उस 12 पे 40% टैक्स सेव हो गया, तो कंपनी के ऊपर जो बर्डन पड़ा वो 12 रुपए का 60% बर्डन पड़ा। बात तो वही है, घुमा फिरा के कैसे भी कह लो 40% अगर टैक्स सेव हो गया तो कंपनी की जेब से गया कितना, 12 रुपए का 60%। इसको लिखे कैसे सर, 12 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 40, अगर प्रॉपर फॉर्मूले में डाले तो 12 1 माइनस टैक्स रेट इज 40%, तो क्या बोलोगे 12 का 60% कितना हुआ 7.2, कंपनी के ऊपर बर्डन पड़ा 7.2 का, और कंपनी ने पैसा कितना इस्तेमाल किया, 100 रुपए इस्तेमाल किया इंटू में 100, तो यानी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया 7.2%। लेकिन अगर मैं बोलूं 7.2% दिस इज बेसिकली इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इफेक्टिव का मतलब जो कंपनी के ऊपर नेट बर्डन पड़ा इज कॉल्ड एज इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये क्या है, ये है नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड दिस इज, अभी ये सब लिखवा दूंगा इफेक्टिव, बस ये अभी सब रफ में चल रहा है एंड दिस इज इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नॉमिनल का मतलब जो दिखता है, जो हम देते भी हैं, 12% नॉमिनल का मतलब क्या होगा, जो दिख रहा है 12% है और हम दे भी 12 ही रहे हैं नो डाउट, लेकिन हमें पढ़ कितना रहे 7.2, दैट इज द, उसका नाम हमने क्या दे दिया, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, एक एग्जांपल और लेट सपोज हमारी फेस वैल्यू है 100 रुपए। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकली चीजें बढ़ा रहा हूं, फेस वैल्यू है हमारी 100 रुपए डिबेंचर की और मैंने जो इशू किया वो 10% डिस्काउंट पे इशू किया, यानी 90 पे इशू कर दिया। 90 पे इशू करने का मतलब क्या है कि सर आपके इन्वेस्टर ने आपको दिए भी 90 होंगे, ऑब्वियसली आपने यूज भी 90 किया अगर 90 में इशू कर रहे हो तो, और कंपनी जो इंटरेस्ट देती है वो 15% देती है और कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो 30% लगता है एग्जाम्पल। तो अब इस केस में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या होगा, सर कंपनी ने ना इंटरेस्ट दिया होगा 15%, वो दिया होगा फेस वैल्यू पे 100 रुपए के ऊपर 15% कंपनी ने इंटरेस्ट दिया यानी कितना 15 रुपए, उस 15 रुपए के ऊपर कंपनी का 30% टैक्स सेव हो गया होगा, तो कंपनी के जेब पे जो बर्डन पड़ा होगा वो उसका 70% 15 रुपए का 70% बर्डन पड़ा यानी कितना हो गया 10.5 कंपनी की जेब से गए एज इंटरेस्ट 10.5, कंपनी ने पैसे रिसीव कितने किए
₹90 रिसीव किए, तो 10.5 देने पड़ रहे हैं ₹90 यूज करने के लिए, तो क्या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हुआ? अब प्रॉपर अगर लिखें, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट जो कंपनी देती है उस पर कंपनी को टैक्स सेव हो जाता है और डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। तो कंपनी ने जो इंटरेस्ट दिया, कंपनी ने इंटरेस्ट कितना दिया, ₹15 का इंटरेस्ट दिया फेस वैल्यू के ऊपर, उस पर कंपनी को कितना टैक्स सेव हो गया, 30%। यानी कंपनी की जेब पे जो बर्डन पड़ा वो नेट बर्डन सिर्फ 70% पड़ा, 30% तो टैक्स सेव हो जाएगा। ये लॉजिक क्लियर हो गया ना? 30% कैसे होगा, जब ऑब्वियसली पीएनएल में दिखाओगे तो नेट प्रॉफिट ₹15 से कम हो जाएगा, तो आपके ऊपर 30% टैक्स ₹15 के ऊपर कम लगेगा। डिवाइड बाय कंपनी ने पैसे कितने यूज किए, ₹90 यूज किए इंटू में 100, तो कंपनी की जेब पे जो बर्डन पड़ा दैट इज 10.5 फॉर यूजिंग ₹90 इंटू में 100, यानी कितना हुआ, दिस इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। चलें जी, कहानी क्लियर हो गई। आओ जरा इसके बारे में एक बार फॉर्मूली लिखते हैं, हेडिंग डालो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, अभी आपने थोड़ा सा, मैं इसकी ज्यादा मतलब गहराइयों में नहीं गया हूं, अभी इसमें एक टॉपिक और है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में ही। ये जो हमने बात की, ये बात की है इररिडीमेबल डिबेंचर्स की। इररिडीमेबल का मतलब जो रिडीम नहीं होंगे, यानी कंपनी इनकी जो आपसे पैसे मैंने रिसीव किए हैं ₹100 की जगह ₹90 व्हाटएवर, मैंने वो तो अभी आपको वापस ही नहीं किया, मैं आपको हर साल सिर्फ क्या देता जा रहा हूं, इंटरेस्ट देता जा रहा हूं, और वही मेरे लिए सिर्फ एक बर्डन है अभी के लिए। मैंने आपको जो आपके पैसे लिए ₹100 प्रिंसिपल अमाउंट, क्या वो वापस किया, क्या वो वापस करूंगा, इररिडीमेबल डिबेंचर है, वापस भी नहीं करूंगा। हर साल सिर्फ मैं क्या देने वाला हूं आपको, इंटरेस्ट। तो मेरे लिए अभी फिलहाल तो वही कॉस्ट है ना, और तो कोई खर्चा है ही नहीं मेरे, आपने जो पैसे दिए हैं वो हर साल यूज करता जाऊंगा और आपको सिर्फ क्या देता रहूंगा, इंटरेस्ट। तो मेरे लिए अभी सिर्फ कॉस्ट क्या है, मेरे लिए बर्डन क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट का बर्डन है। मैंने वही चीज अभी डील किया और कुछ डील नहीं किया। तो इसमें पहला पॉइंट लिख लो, पहला पॉइंट हम जो बात कर रहे हैं सारी आज वो इररिडीमेबल डिबेंचर्स की कर रहे हैं। लिखो क्या लिखूं, केडी का फॉर्मूला बनाओ, क्या बताऊं, क्या लिखूं, इंटरेस्ट जो भी कंपनी देती है 1 माइनस टैक्स रेट, ये हो गया सेविंग्स के बाद जो नेट हमारी जेब पे बर्डन पड़ा, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स कह लो या इश्यू प्राइस कह लो, एक ही बात है। तो यहां पे हमारा आय हो गया बेसिकली इंटरेस्ट, टी हो गया टैक्स रेट और एनपी हो गया नेट प्रोसीड्स। लिखो जी एक एग्जांपल लिखो, ₹100, 12% डिबेंचर जिसपे टैक्स रेट है 40%, लेकिन इसके बारे में एक बात जो कही गई है वो ये है कि डिबेंचर इशूड With 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। सर अब ये क्या आ गया, अभी एग्जाम्पल्स के जरिए हम सारी टेक्निकलिटी यहीं पे खत्म कर लेंगे और जब हम क्वेश्चंस करने जाएंगे तो आपको कुछ नया मिलेगा नहीं, एग्जाम्पल में सारी चीजें समझो। इसके नीचे आप लिख सकते हो इशू करने का खर्चा, इज कॉल्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं उस समय हमारे कुछ खर्चे होते हैं, लीगल फीस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, तो उन सारे खर्चों को मिला के हम एक वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। जब आप डिबेंचर इशू करते हो तो ऑब्वियसली डिबेंचर ऐसे तो नहीं है आप कल कंपनी के नीचे गए और खड़े होकर चिल्लाने लगे डिबेंचर ले लो और लोग आ जाएंगे और आपको डिबेंचर इशू कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा।
डिबेंचर इशू करने के लिए कुछ खर्चे भी होंगे, लीगल फीस लगेगी, कुछ लीगैलिटीज भी होंगी जो आपको पूरी करनी है, हर चीज में खर्चा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। अब कंपनी बोलती है कि डिबेंचर जो हमने इशू किया उस पर हमारा 5% खर्चा हो गया, तो कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर से कितने रुपए लिए, 100 रुपए, 100 रुपए के ऊपर 5% कंपनी का खर्चा भी हो गया, तो कंपनी की जेब में कितने आए, 95। पॉइंट क्लियर हो गया। अब कंपनी ने यूज किए 95 रुपीज, लेकिन कंपनी इंटरेस्ट कितना दे रही है, 12%, और 12% वो किस पे देगी, फेस वैल्यू पे 100 रुपए के ऊपर। तो इससे क्या होगा, अब आप खुद समझदार हो, बताओ जी कैसे करोगे इसको। सर कंपनी ना इंटरेस्ट देगी 12 रुपए का, 100 रुपए के ऊपर 12%, दैट इज 12, उस पर कंपनी का 40% टैक्स सेव होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वही पूरी कहानी की पीएनएल में जाएंगे वगैरह वगैरह, उस पर टैक्स सेव होगा। कंपनी की जेब पे जो बर्डन पड़ने वाला नेट वो 60% पड़ेगा, यानी कितना, 7.2, और कंपनी ने पैसे कितने यूज किए, 95, 100 माइनस 5% ऑफ 100 इंटू में, तो कंपनी का इस केस में केडी कितना आ गया, 7.57%। ये क्या है 7.57 पर मंथ, पर एनम, पर वीक, हम हमेशा ये छोटी छोटी चीजें होती है टेक्निकली जो साथ साथ लेके चलनी चाहिए, नहीं तो आप बाद में दिक्कत खा जाओगे। दिस इज पर एनम, ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट पूरे साल का दे रहे हो, पूरे साल में पैसा यूज किया उसका आपने एक इंटरेस्ट दिया, तो ये जो आपके लिए कॉस्ट है ये पूरे साल की है, 7.57 पर एनम। पॉइंट क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल और, ₹100 15% डिबेंचर, टैक्स रेट इज 30%, डिबेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम एंड 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। अब थोड़ा सा समझना इस चीज को, 100 रुपए का डिबेंचर है जो कि हमने कैसे इशू किया, 15% डिबेंचर है जिसपे कंपनी के ऊपर टैक्स कितना लगता है, 30% कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है। डिबेंचर जो इशू किया गया वो 10% प्रीमियम पे किया गया, लेकिन उस पर 5% का फ्लोटेशन कॉस्ट भी हो गई। आप बस ये बात हमेशा याद रखना, जो फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, और प्रीमियम भी ऑब्वियसली 10% किसका, फेस वैल्यू का, यह बात हमेशा ध्यान रखना। अब आप बताओगे इस केस में कंपनी के ऊपर, पहले तो मैं इंटरेस्ट बताओ, कंपनी इंटरेस्ट कितना देगी, 15% फेस वैल्यू 100 रुपए, यानी 15 रुपए कंपनी की जेब से इंटरेस्ट के जाएंगे, उस पर कंपनी को कितना टैक्स सेव होगा, 30% टैक्स सेव होगा, तो कंपनी की जेब से जाएगा कितना, 15 का 70% कंपनी की जेब पे बर्डन पड़ेगा, दैट इज 10.5। अब सवाल क्या था इसमें कि कंपनी ने पैसे कितने यूज किए, सर 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% कंपनी ने प्रीमियम चार्ज किया, तो कंपनी की जेब पे 110 रुपए आ गए, लेकिन 5 रुपए का खर्चा भी तो हुआ है, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट भी तो है, 5% फेस वैल्यू का, 100 रुपए का 5% 5 रुपए, तो कंपनी की जेब से 5 रुपए चले भी गए, तो कंपनी के पास नेट कितने आए हैं, 105। 10.5 इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 105 यूज करने के लिए, तो केडी कितना आ गया, 10%। चलो जो हटा दूं इसको, लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, लिखो ₹100 15% डिबेंचर, टैक्स रेट इज 20%, इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड 5% फ्लोटेशन कॉस्ट।
कितना 40? अच्छा बताओ जी, कंपनी की जेब से इंटरेस्ट कितना गया? 15। उस पर कंपनी का टैक्स सेव हो गया कितना? 20% का। तो कंपनी की जेब पे बर्डन पड़ा 80%। कितना? अरे ये कितना हुआ? डिवाइड बाय पैसे कितने आए हैं कंपनी की जेब में? 85। 10% डिस्काउंट, 10 रुपया वो चला गया, 5 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट इंटू में 100, कितना हुआ ये? 14.11%। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। 1-1 आए, 1-2 आए, कोई टेंशन नहीं, इतना हम चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, कहानी क्लियर होगी यहां तक। अब मेरे को एक बात बताओ, एक अगला एग्जाम्पल से ना मेरे को एक बेस एग्जाम्पल क्लियर करना है, उसके बाद उससे अच्छे एक एग्जाम के क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा। लिखो जी, ₹100,00,000। अभी तक मैं जो बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था एक डिबेंचर की। मेरा बस आपसे सवाल इतना है कि मैं एक डिबेंचर का KD निकालूं या जितने डिबेंचर, मैंने एक डिबेंचर तो ऑब्वियसली इशू नहीं किया होगा। मैं अभी तक आपसे जो बात कर रहा हूं सारी, अगर आपने देखी हो, मैं एक डिबेंचर की बात कर रहा हूं कि एक डिबेंचर इतने का फलान डिकान बातें। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे मैंने एक डिबेंचर इशू किया हो, चाहे सबकी बात एक साथ करूं, क्या उससे मेरे KD पे फर्क पड़ेगा क्या? फिर भी देख लो एक बार। देखो, 100,00,000 के डिवेंचर हैं, 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर हैं जो मैंने इशू किए हैं, 100 रुपए का एक है, 10% डिवेंचर हैं और टैक्स रेट है 20%। अब चाहे मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगले सवाल के लिए जरूरी है ये, चाहे एक डिवेंचर की बात करूं चाहे सबकी बात करूं, उससे मेरे KD पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि सर एक डिवेंचर की बात करोगे ना, तो 10% का डिवेंचर है तो फेस वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपए के ऊपर 10% आप इंटरेस्ट दोगे यानी कितना? 10 रुपए। उस पर आपका टैक्स सेव होगा 20%, 0.20, तो 80% आपकी जेब से जाएगा यानी 8 रुपए। और एक डिवेंचर पे आए कितने हैं? 100 रुपए, तो आपके ऊपर बर्डन जो पड़ा वो कितना पड़ा? 8% का। अभी चाहे तुम सबका निकाल लो, सर बात एक ही है, 100,00,000, 1 करोड़ के डिवेंचर है, 1 करोड़ पे 10% आपकी जेब से इंटरेस्ट जाएगा, 1 करोड़ का 10% यानी 10,00,000। 10,00,000 पर भी वही सेम कहानी है, 20% आपका टैक्स सेव होगा यानी आपकी जेब पे बर्डन पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा? 8,00,000 का। डिवाइड बाय डिवेंचर टोटल है कितने के? 100,00,000 के। तो 8,00,000 डिवाइड बाय 100,00,000, वो भी 8% आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको इसलिए समझा रहा हूं, ये जो इंटरेस्ट है ये आप सबका एक साथ भी ले सकते हो, इसलिए दिमाग में डाल रहा हूं। अगला एग्जाम्पल जो एग्जाम का सवाल है उसमें आपके ये काम आएगा। चलें जी आगे चलें। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक एग्जाम में जीवन में कभी सवाल आया, जरा वो देखो एक बार। कंपनी इशूड, लिखो जी, कंपनी इशूड ₹5,00,000 डिबेंचर, 5,00,000 के डिबेंचर इशू किए। जब वर्ड रुपीज लग गया, इसका मतलब ये, मतलब लोग नॉर्मली इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, 5,00,000 डिबेंचर्स हैं नंबर हैं या 5,00,000 के डिबेंचर हैं? 5,00,000 के डिबेंचर्स हैं। ₹5,00,000 डिबेंचर्स ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल As follows, पहले 3,00,000 पे कंपनी को इंटरेस्ट देना है 10%, और 3,00,000 के ऊपर जितने डिबेंचर है कंपनी को उस पर इंटरेस्ट देना है 12%।
तो कोई टेंशन नहीं है, आप इंटरेस्ट निकाल लो, टोटल कंपनी को देना कितना है, टोटल इंटरेस्ट, इसीलिए मैंने ऊपर वाला एग्जांपल कराया, सबका इंटरेस्ट एक साथ, पूरे डिबेंचर्स का इंटरेस्ट एक साथ लो, उस पर टैक्स सेविंग होगी, डिवाइड बाय टोटल जितने के डिबेंचर इशू किए 5 लाख के, करो केडी निकालने की कोशिश करो। तू कहता है तो मान लेता हूं, बताओ जी कुछ था नहीं इसमें, टोटल इंटरेस्ट निकाल लो ना, टोटल इंटरेस्ट कितना है, पहले 3 लाख पे 10% यानी 30,000, बाद के 2 लाख पे 12% यानी 24,000, और 30 और 24 54,000 का इंटरेस्ट हो गया, 1 माइनस टैक्स कर दो उसमें से, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स। इंटरेस्ट बताओ जी, इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट पहले 3 लाख पे 10%, पहले 3 लाख पे 10%, उसके बाद टोटल 5 लाख के डिबेंचर है, बोल रहा था पहले 3 लाख पे 10 दे दो, बाद के 3 लाख पे 12%, बाकी बचे कितने, 2 लाख पे 12%, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, दैट इज 54,000। इंटरेस्ट के बाद 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स कितना है, 0.4 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स, हमारी जेब में कितने आए हैं 5 लाख, तो ये आ गया जी 54,000 का इंटरेस्ट है, 1 माइनस 0.4 इज 60% डिवाइड बाय 5 लाख, ये कितना आ रहा है 54 का 60% 30,2,400 डिवाइड बाय 5 लाख्स इंटू में 100 6.48%। पॉइंट क्लियर हो गया, ये एग्जाम का सवाल है 5 नंबर का, पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी आता है उसके अंदर आ चुका है, ठीक है जी, कहानी क्लियर होगी यहां तक। एक और एग्जाम्पल लिखो, हटाऊं इसको, लिखो जी, कंपनी इशूड ₹10 लाख डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट एंड 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। इंटरेस्ट इज पेबल एज फॉलोज, पहले 3 लाख पे इंटरेस्ट जाएगा 10%, 3 लाख से 5 लाख पे 20 और अबव 5 लाख 30, लगभग सेम है, बस डिफिकल्टी लेवल या कैलकुलेशन हल्का सा बढ़ गया।
देखते हैं एक बारी। बताओ जी, अलग अलग आने आंसर शुरू हो चुके हैं। कितना कितना 14, एक आ रहा है 13.15.5, ऐसे ऐसे कुछ आंसर आ रहे हैं। पहले वाला कितना 13.2, 15.52 और 14.4 और none of these, चौथी ऑप्शन। पर इतना कैसे फैल गया तुमने, इतना रायता कैसे फैला दिया, मतलब इतना तो कुछ था नहीं इसमें। चलो इंटरेस्ट बता दो, पहले इंटरेस्ट बता दो। पहले 3 लाख पे 10% 30,000, पहले 3 लाख पे 10% 30,000, अगले 2 लाख पे 20% 40,000 और 5 लाख पे 30% 1.5 लाख। 1.5 लाख प्लस 40,000 प्लस 30,000 2,20,000। यहां तक तो सब लोग सही है, फिर अभी आगे क्या कर दिया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पक्का समझ में आ गया। इंटरेस्ट जी 10 लाख में से आपको 3 लाख पे देना है 10%, ऊपर के 2 लाख पे देना है 20% और बाद के 5 लाख पे देना है 30%। ऐसे तो इंटरेस्ट देना है आप, ये आएगा 30, 40 और 1.5 लाख, कितना हो गया टोटल 2,20। यही तो हुआ इंटरेस्ट, 2,20 का इंटरेस्ट है, 2,20,000 इंटरेस्ट के हो गए। 1 माइनस 0.4 जो भी आया, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। अभी नेट प्रोसीड में क्या करोगे, 10 लाख पे 10% डिस्काउंट बचा, 1 लाख का डिस्काउंट चला गया 9 लाख, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है 50,000 फ्लोटेशन कॉस्ट है। यहां तक भी सब ठीक है। अभी ये मल्टीप्लाई करके कितना आया 61 डिवाइड बाय 8.5 लाख। अभी कहां गलती करी थी, ये तुमने कहां गलती करी, 13 कितना ले लिया था। ओके तब भी अच्छा, तभी आएगा 13.2। तुमने 14.4 वालों ने क्या करा, अच्छा फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं की और तुमने इंटरेस्ट। ओके ये पॉइंट समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल और, ये सारे एग्जांपल्स के जरिए लिखो जी, एग्जांपल लिखो, लिखो कंपनी इशूड ₹100 lakh डिबेंचर एट 20% प्रीमियम एंड 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। इंटरेस्ट इज पेबल एज फॉलोज,
एक आंसर निकाल दो क्लास खत्म, सिंगल आंसर चाहिए, लेकिन चार आंसर नहीं चाहिए। लो जी लो, दो आंसर आ गए हैं। कितना तुम्हारा? 19.2। तुम्हारा 20.86। अभी तीसरा आंसर आने की संभावना है यहां से। आ चुका है मेरे ख्याल से तीसरा आंसर। अब देखो दो तो आ ही चुके हैं। अभी तुम्हें जीने नहीं देंगे। अभी तुम्हारा है 19.2। नहीं, इसका भी अभी अभी कहीं और ही है। नहीं, कुछ और है। इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट सही नहीं निकाल रहा। पहले 20 लाख का 10% बता, मेरे को बता 20 लाख का 10% क्या होगा? 2 लाख। उसके बाद 20 लाख से 60 लाख मतलब 40 लाख। हाँ, जो भी हुआ। और 60 लाख से ऊपर जो है उस 40 पे, हाँ तो बस फिर अभी क्या दिक्कत है? उस पे टैक्स सेविंग करेगा नीचे, फिर उसके बाद जो इश्यू प्राइस है वो लेगा तो आएगा आंसर। और कोई आंसर? और किसी की कोई मन की भावनाएं निकल रही हो? अच्छा देखो, इंटरेस्ट बताओ। जिनको, अच्छा सुनो, जिनको ऐसा होना वो ऐसे लिख लिया करो साइड में, 100 लाख के पहले 3 हिस्से करो। पहले 20 लाख तक का इंटरेस्ट अलग है, 20 से 60 लाख यानी 40 लाख पे इंटरेस्ट अलग है, और 60 से ऊपर यानी अगले 40 पे इंटरेस्ट अलग है। ऐसा लिख लिया करो, आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले 20 लाख पे 10% यानी 2 लाख, अगले 40 पे 30% यानी 12 लाख, और उससे अगले 40 पे 40% 16 लाख, टोटल इंटरेस्ट 30 लाख। ऐसे लिख लिया करो अपने पास, ऐसे लिखोगे गलती नहीं होगी। तो अभी केडी कैसे निकालोगे? 30 लाख 1 माइनस टैक्स 20% अपॉन में नेट प्रोसीड कितनी लोगे? अभी 100 लाख के डिवेंचर है, 20% प्रीमियम है, यानी 20 लाख का प्रीमियम है माइनस 5 लाख, ये कितना हुआ? 30 का 80, 24 लाख डिवाइड बाय इनटू 100। अभी बताओ कहां दिक्कत रही, जिसके भी रही बेटा कहां पे फंसा? इंटरेस्ट ना आप ऐसे निकाल लिया करो, ऐसे लिख लिया करो, आपको इजी लगेगा कि कहां इंटरेस्ट है। वो स्लैब रेट सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है कि इतने इतने तक, यहां पे इतना इतना इतना, तो आप इसको अगर ऐसे बनाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है जी, एक लास्ट एग्जांपल। चलो हटा दूं इसको। कंपनी इशूड रुपीज 40 लाख डिबेंचर्स
अभी इंटरेस्ट की जिनको दिक्कत होती है उनको बहुत दिक्कत होगी अभी। अब आएगा मजा। चालीस लाख के पहले हिस्से कर लेना, कितने कितने पे क्या क्या इंटरेस्ट है। अरे 24.37 अभी समझ में आ गया कैसे निकालेगा। हाँ पॉइंट, हाँ पहला आंसर आया 24 पॉइंट, पहला आंसर नहीं नहीं यहां से, यहां से ये थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं, इनसे पूछता हूं। पहले देख लो एक बार, इंटरेस्ट देख लो, 40 लाख में से पहले 5 लाख पे 10% इंटरेस्ट देना आपको, यानी कितना 50,000। अगले 5 लाख पे 20%, 1 लाख। उससे अगले 10 से 20 लाख पे 30%, यानी 10 लाख पे 3 लाख। उससे अगले 10 लाख पे 3.5 लाख, और उससे अगले 10 लाख पे 40%, यानी 4 लाख। इन सबका टोटल कितना हुआ, 12 लाख आपको इंटरेस्ट देना है। पॉइंट क्लियर है। तो KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स। इंटरेस्ट है जी 12 लाख, 1 माइनस टैक्स का रेट इस बार कितना है, 35%। तो 65% हो गया, 35% टैक्स सेव होगा, तो 65 जेब से जाएगा, अपॉन में नेट प्रोसीड्स। 40 लाख में 4 लाख गए डिस्काउंट के और 4 लाख गए फ्लोटेशन कॉस्ट के, तो अपने पास पैसा ये ऊपर वाला बताओ कितना आएगा, 780, और डिवाइड बाय इनटू में 100, कितना हुआ ये, 24.37। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट। अभी हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी पूरा खत्म नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ किसकी बात की है, इरिडीमेबल डिबेंचर की बात की है, और इससे ऊपर सवाल आपको इरिडीमेबल का आ नहीं सकता। सुनना जरा कहानी, अगर पेपर में आया इकलौता सवाल, वैसे 99% चांसेस जो इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है वो वेटेड एवरेज का आता है, 99% चांस ये रहता है। उसका रीजन ये है, वेटेड एवरेज का मतलब ये हो गया कि कंपनी के पास ये चारों चीजें हैं। वेटेड एवरेज क्यों पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि उसमें पहले आपको ये चारों निकालने पड़ेंगे।
वेटेड एवरेज का मतलब ये हुआ कंपनी के पास प्रेफरेंस भी है उसकी अपनी एक कॉस्ट है, कंपनी के पास डिबेंचर भी है उसकी एक कॉस्ट है, कंपनी के पास इक्विटी भी है उसकी अपनी कॉस्ट है, कंपनी के पास सारी चीजें हैं सबका फिर एक वेटेड एवरेज, एक सिंगल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट आपको निकालना होता है। सर अगर सिंपल एवरेज लिखा होता यहाँ पे, वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज लिखा होता हम क्या करते, जो जितने भी रेट्स आ रहे हैं सबको प्लस करके, लेट सपोज तीन चीजें हैं कंपनी के पास, एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस, एक डिबेंचर। डिबेंचर का निकलेगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो हमने सीखा, इक्विटी का निकलेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस का निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। कंपनी के पास तीन टाइप की कैपिटल है, तीन टाइप की कॉस्ट है, उन सबका सिंपल एवरेज करना हो तो क्या करोगे सर, तीनों का टोटल करके डिवाइड बाय थ्री कर देंगे, एक सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। लेकिन यहाँ सिंपल एवरेज नहीं है, यहाँ पे क्या है, वेटेड एवरेज है। आपको पहले उस सवाल में क्या करना होता है, पहले केडी निकालो, केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालो, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, और केआरई कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग पहले निकालो, जो भी आपने किया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर तो सीख लिया, वो चारों जब आ जाएं तो उसके बाद वेटेड एवरेज करो। तो बेसिकली वेटेड एवरेज जब सवाल पूछा जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली ये चारों आपको निकालने ही पड़ते हैं, उसके बिना हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। तो नॉर्मली वेटेड एवरेज का ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आता है। इनमें से इकलौता सवाल, इकलौता मतलब कि अपने आप के ऊपर सवाल आता है, तो पहली प्रेफरेंस रहती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, फर्स्ट प्रेफरेंस इसकी रहती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में बहुत सारी चीजें अभी करने के लिए, पहली प्रेफरेंस कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे सवाल आता है, सेकंड प्रेफरेंस कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पे आता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे एज सच इकलौता सवाल नहीं आता। तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या हो गई, सबसे पहले वेटेड एवरेज का क्वेश्चन आएगा इसमें से, अगर वो नहीं आया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने को आएगा, और अगर वो नहीं आया तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालने को आएगा। ये तीन टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं, ठीक है जी। तो मिलेंगे हम लोग कल सेम टाइम, मतलब 8:30, आज फर्स्ट क्लास थी तो थोड़ा एडमिशन के चक्कर में हो गया, तो कल हम लोग मिलेंगे 8:30 सुबह, और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज की क्लास मैंने थोड़ी अभी कम इसलिए रखी है क्योंकि जो अगला टॉपिक है रिडीमेबल डिबेंचर का, वो मेन है। अभी कल दो चार लोग शायद और जुड़ेंगे तो वो मेन टॉपिक है, मतलब शुरू की तीन क्लास इस चैप्टर की बड़ी मेन क्लास है, इसके बाद पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, पहली तीन समझ में आई तो कृपया करके अभी एटलीस्ट ऑफ ना लें, कल वाला टॉपिक आपका बहुत मेन टॉपिक है। तो मिलेंगे हम लोग कल, तब तक ओके टाटा बाय बाय।